आंखों देखी। गया के जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में आगामी मानसून के मद्देनजर गया नगर निगम, नगर पंचायत बोधगया, नगर पंचायत टिकारी एवं नगर पंचायत सरगा की अंतर्गत वर्षा के पूर्व नाला एवं नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर किया गया बैठक। बाके बाजार थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार। जनता दरबार में 15 मामलों की गई सुनवाई। बाके बाजार के बलथरवा में इमामगंज सरगा के मुख्य मार्ग को जाम करने का आरोप में बाके बाजार थाना में 7 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर किया गया प्राथमिकी। गया कॉलेज गया राष्ट्रीय सेवा योजना का वरिष्ठ स्वयं सेवक अनुराग कुमार को MUNSS समन्वयक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर एवं मेडल पहनाकर किया गया सम्मानित। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के जमुहार गांव में हुई अंशु की हत्या में अंशु का भाई ही निकला हत्यारा। कुएं में मिला था अंशु का शव। गया शहर के रामसागर तालाब स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का आरोप। लोगों ने कहा प्रतिदिन यही रहती है स्थिति। कितना देर से आप यहाँ पर आए हुए हैं? आधा घंटा हो गया। लेकिन आप तो प्रतिदिन मतलब यहाँ पर 3 बजे से पहले कोई डॉक्टर नहीं आते हैं? आपसे 3 घंटे पहले कहीं नहीं करते। मुख्य सचिव बिहार श्री दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह सहित सभी जिलाधिकारियों को अन्य राज्यों से आए श्रमिकों को स्किल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के दिए निर्देश।